हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप ईपीएफओ के लिए 100% अपने एफर्ट्स डाल रहे होंगे। आज हम इंडियन पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर। और इसके साथ साथ जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि हम ईपीएफओ की प्रिपरेशन जो है वो यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, तो उसी संदर्भ में, उसी कंटेक्स्ट में अभी तक हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और उसके साथ साथ जो इंडियन इकोनॉमी है वो सब खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडियन अकाउंटिंग के कुछ या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को आइडिया नहीं है, या इंडियन इकोनॉमी में आप कुछ और कंसेप्ट्स को जानना चाहते हो और आपके अकॉर्डिंगली एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे हमारे अकॉर्डिंगली जो इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, या आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट को फिर से रिपीट किया जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो या हम लोगों को डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। तो चलिए आज हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का जो यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड यूनियन लेजिस्लेचर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें यूनियन पार्ट 5 की, जो कि यूनियन के बारे में बताता है, तो पार्ट 5 के जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे शुरू होते हैं फ्रॉम आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151। और जो हमारा पार्ट 5 है ये टोटल 5 चैप्टर्स के बीच में जो है वो डिवाइडेड है। अब ध्यान रखना, अब हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आर्टिकल नंबर्स याद नहीं रखेंगे, अब सिर्फ हम जो पॉलिटी की थ्योरी है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूँगा तो चैप्टर 1 जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ डील करता है। जो चैप्टर 1 दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसके बारे में जो आपके आर्टिकल्स हैं वो 52 से शुरू होते हैं और वो आपके आर्टिकल 78 तक एक्सटेंड करते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारा प्रेसिडेंट इन आर्टिकल्स में देखने को मिलता है, पावर्स क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, इलेक्शन किस तरह से होता है। इसी चैप्टर के अंदर हम लोगों को वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पता चलता है, इसी के अंदर हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगाना हो ऑप्शंस देख के, तो आपको इतना आइडिया रहना चाहिए कि जितने भी हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सारे के सारे आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में मेंशन है। उसके साथ जो आपका चैप्टर 2 है वो बेसिकली आपका पार्लियामेंट के साथ डील करता है और ये आपका आर्टिकल 79 से शुरू होके आर्टिकल 120 और साथ साथ जो पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स हैं, पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसके बारे में भी देखा जाता है। उसके बाद अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं तो जो आपका चैप्टर 3 है वो सिर्फ एक आर्टिकल है, इसको आप लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 123 जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेजिडेंट की बात करता है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेजिडेंट का सिंपल सा मतलब यह है, जो आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेजिडेंट, हिंदी में जिसको हम अध्यादेश कहते हैं। क्लियर? और जो आपका चैप्टर 4 है वो आपका यूनियन जुडिशरी के साथ जो है वो आपका एसोसिएटेड है, ये आपका आर्टिकल 124 से शुरू होके आर्टिकल 147 तक था, 7 तक है। यूनियन जुडिशरी में हम लोग बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो हमारा चैप्टर 5 है दैट इज योर CAG, दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG जो है ये आपका 148 आर्टिकल से लेके 151 तक मेंशन है। CAG है क्या, किस तरह से इसकी अपॉइंटमेंट होगी और CAG के पास क्या क्या पावर्स हैं, वो सब कुछ आर्टिकल 148 से लेके 151 तक जो है वो लिखा गया है या आपका मेंशन है। तो देखिए, ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन था, ओवरव्यू था पार्ट 5 दैट इज यूनियन का। वैसे आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसके ऊपर जो है वो मेन डिस्कशन करेंगे पहले 3 चैप्टर्स के ऊपर। जो आपका जुडिशरी और CAG है इसको हम थोड़े टाइम के बाद, 1-2 लेक्चर्स के बाद जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करूं, दैट इज योर प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के बारे में डायरेक्टली आपका आर्टिकल 52 में मेंशन है, दैट इज देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए और राष्ट्रपति होने के लिए जो मेंशन आपका आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 52। तो आप इस आर्टिकल को बाय नंबर याद रखोगे, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट है ये आपके देश का पहला नागरिक है, फर्स्ट सिटीजन है। जो प्रेसिडेंट है ये आपका जो आपका हेड ऑफ दी स्टेट है, जितने भी डिसीजन हमारे देश में लिए जाते हैं सारे के सारे डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ये अलग बात है कि रियलिटी में जो डिसीजन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगेन, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे बड़ी पावर हमारे देश में है वो कौन है, राष्ट्रपति।
दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हायरार्की में फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, तो वो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो सबसे पहला रैंक आता है वो आपका राष्ट्रपति का ही है। मतलब हायरार्की में जितने हमारे देश के नागरिक हैं उसमें जो फर्स्ट अमंग इक्वल है या जो फर्स्ट है हायरार्की में, अथॉरिटी में, पावर में, वो आपका है राष्ट्रपति। तो हमेशा जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट उसमें जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस सॉरी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो नंबर वन आपकी हायरार्की, नंबर वन रैंकिंग रहेगी वो किसकी रहेगी, आपकी राष्ट्रपति की रहेगी। इसी में ही जो दूसरे नंबर पे आता है वो आपका आता है वाइस प्रेसिडेंट, जो आपके देश का उपराष्ट्रपति होता है वो आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सेकंड नंबर पे आएगा या सेकंड रैंक पे आएगा, क्लियर। तीसरे नंबर पे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आपका आता है प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ नंबर पे आपके आते हैं जो गवर्नर्स, पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो गवर्नर है वो विद इन स्टेट की बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई फंक्शन, कोई कार्यक्रम जो है वो पंजाब के अंदर हो रहा है, तो जो पंजाब का गवर्नर होगा वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में फोर्थ नंबर पे आएगा। अगर किसी और राज्य का गवर्नर भी वहां पे आया है तो वो फोर्थ नंबर पे नहीं आएगा, तो गवर्नर जो है वो सिर्फ विद इन स्टेट की बात है। उसके बाद जो फिफ्थ आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आ जाता है हायरार्की में, तो पांचवें नंबर पे आपके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स होते हैं उनका रैंक आता है। छठे नंबर पे जो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, सातवें नंबर पे जो आपका सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर, इन दोनों को ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सेम हायरार्की सेम लेवल के ऊपर रखा गया है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ये बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा हमारे देश के, और उसके साथ साथ इसको जो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को, ये आपकी है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्लियर। जो आपका गृह मंत्रालय है उसकी जिम्मेवारी होती है उसको मेंटेन रखने की। वापिस आइए, अब देखिए अगर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति की सबसे पहले कंडीशन आती है कि व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट। अगर आप लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, आई थिंक आप सब लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा, लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक्स पॉलिटी जो है वो स्टडी कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए अगर कोई भी इंसान प्रेसिडेंट के इलेक्शन को फाइट करना चाह रहा है तो पहली कंडीशन तो है कि वो देश का सिटीजन होना चाहिए, देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, 35 साल से ज़्यादा उसका एज होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। अब इस लाइन का मतलब क्या है, एक्चुअली कहानी सिंपल सी ये है कि हमारे देश में अगर कोई भी क्रिमिनल केस में किसी को इम्प्रिजनमेंट हुई है, 2-3 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए डिसक्वालीफाई हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए डिसक्वालीफाइड है हमारे जो कानून इस पर्टिकुलर टाइम पे मौजूद है उनके अकॉर्डिंगली, तो वो ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए भी इनएलिजिबल हो जाएगा, वो एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। और चौथी कंडीशन आ जाएगी कि कोई भी अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करना चाहता है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है उसको उसने होल्ड ना किया हो। अब सवाल आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए यार वैसे संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताया है कि जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली ऐसा एक पोजीशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से पैसा रिसीव कर रहा है या गवर्नमेंट उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसको हम लोग जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं आसान भाषा में। टेक्निकली इसकी थोड़ी सी वाइड डेफिनेशन है। दूसरी चीज, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी सरकारी ऑफिस या मैं मान लो ब्यूरोक्रेट हूँ या किसी सरकारी दफ्तर में जॉब कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है सरकार जो है वो मेरे को इन्फ्लुएंस कर सकती है क्योंकि सरकार से मैं सैलरी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आऊंगा और मैं राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं होऊंगा। अब सवाल यहाँ पे आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी एक्सेप्शंस दी गई हैं, कुछ ऐसे हमारे प्रावधान हैं जिनके अकॉर्डिंगली आप लोगों को ऑफिस, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे होंगे, गवर्नमेंट के ऐसे सैलरी एमोलमेंट्स भी ले रहे होंगे, लेकिन उसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कंसिडर करेंगे। अब सवाल आता है वो पोस्ट कौन कौन सी है। सबसे पहले तो वो पोस्ट है प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की। इसका सिंपल सा मतलब है कि राष्ट्रपति होते हुए भी इंसान एलिजिबल है राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए। दूसरी आपकी पोस्ट आ जाती है दैट इज योर वाइस प्रेसिडेंट। तीसरी पोस्ट आपकी आ जाती है गवर्नर। फोर्थ आ जाती है जितने भी आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं,
चाहे वो यूनियन मिनिस्टर्स हैं चाहे वो आप स्टेट मिनिस्टर्स हैं। यहाँ पे यूनियन और स्टेट मिनिस्टर का मतलब है चाहे वो आपके केंद्रीय सरकार के मिनिस्टर्स हैं, इंडिया के मिनिस्टर्स हैं, यूनियन के मिनिस्टर्स हैं, या वो आपके राज्यों के मिनिस्टर्स हैं, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, यहाँ के मिनिस्टर्स हैं। तो अगर कोई राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति है, गवर्नर है या मिनिस्टर है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन अपनी पोस्ट को मेंटेन करते हुए भी, रिटेन करते हुए भी लड़ने के लिए एलिजिबल रहेगा। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये जो चार पांच कंडीशंस हैं रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये क्लियर हो गई होंगी। उसके साथ जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए एक एक्ट पास किया गया है जिसका नाम है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। इस एक्ट के अंदर ये मेंशन किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं और मेरी एज जो है वो मोर देन 35 इयर्स है, मतलब मैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करता हूं, उसके बाद भी मैं इमीडिएटली जाके प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूं, मेरे को कम से कम या मेरा नाम कम से कम पहले 50 लोग प्रपोज करेंगे कि हम चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े, और उसके बाद 50 लोग जो है वो उसको सेकेंड करेंगे। सेकेंड का मतलब है कि एंडोर्स करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले 50 लोगों के पास जाऊंगा, 50 लोग जो है वो साइन करेंगे कि हाँ ठीक है ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, और उसके बाद 50 लोग जो है उस पर एग्री करेंगे कि हाँ हम भी चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़े। तो एक तरह से मेरे को 100 लोगों की सपोर्ट चाहिए। अब सवाल यहाँ पे आता है कि जो 100 लोग हैं ये कौन होंगे। देखिए ये जो 100 लोग हैं ये होंगे जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है वो लोग जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, पहला जितने भी आपके पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ध्यान रखना पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया था, जैसे राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होकर आते हैं, तो जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो आपके जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ध्यान रखना जब शब्द यूज किया गया है पार्लियामेंट तो इसका मतलब है लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात हो रही है। और दूसरे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है कैटेगरी, वो आपके हैं जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर, मतलब जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर की जगह शब्द है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है विधानसभा, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा होंगे वो सारे के सारे लोग जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या समझे, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? तो जो ये 50 है और ये जो मैंने डिस्कस कर रहा था कि भाई 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए इनिशियल स्टेजेस पे, ये जो 100 लोग हैं ये इसी इलेक्टोरल कॉलेज के होने चाहिए, तभी आप लोग जाके जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट कर सकते हो। ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 में मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ इस एक्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको 15,000 रुपये की सिक्योरिटी जो है वो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। क्लियर? तो आई थिंक आपको जो है वो ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी। क्लियर? अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा एक बार मिटा देता हूं। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट। अब उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अगला इंपॉर्टेंट काम है वो आपका है, दैट इज इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब सवाल आएगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये तो हम लोगों को पता चल गया कि जो प्रेसिडेंट है वो किस तरह से जो है वो आपका पार्टिसिपेट करेगा, ये जो प्रेसिडेंट है आपका राष्ट्रपति है उसके लिए प्रपोजर्स कितने चाहिए और सेकेंडर्स कितने चाहिए। क्लियर है? एक और चीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर कल को प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो उस डिस्प्यूट को सुनने की जो पावर है, चाहे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है चाहे वाइस प्रेसिडेंट का है, उसको सुनने की जो पावर है वो आपकी है किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं जितने भी डिस्प्यूट्स तुम्हारे प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के साथ हैं। अब देखिए यहाँ पे अब अगला सवाल आएगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इस वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो किस तरह से जो है वो फाइट किया जाएगा। अब देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, और जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की प्रोसेस है वो सिंपल सी प्रोसेस ये है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है, और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को यूज़ किया जाता है, और साथ में जो इलेक्शन होता है वो आपका सीक्रेट बैलेट के थ्रू होता है। अब सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डलेगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि किसने किसको वोट डाला है।
ध्यान रखना जो नॉर्मल बिल्स वगैरह होते हैं, जब पार्लियामेंट में किसी बिल के ऊपर डिस्कशन होती है, उसके ऊपर जब वोटिंग होती है, तो वो ओपन बैलेट में होता है। यही कारण है कि लोगों के ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कभी एंटी डिफेक्शन नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट में होता है कि यहाँ पे किसी को नहीं पता चल रहा कि किसने किसको वोट डाला है। तो यही कारण है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कभी भी जो विप, विप का मतलब क्या होता है, आई थिंक हमने एंटी डिफेक्शन में डिस्कस किया था कि विप दैट इज ऑफिशियल डायरेक्शन को इशू नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किसने आपके डायरेक्शन को फॉलो किया या नहीं किया। ये कारण सिंपल सा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि जो आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहेगा वो कैसे कैसे रहेगा, आपका सीक्रेट बैलेट के थ्रू रहेगा। यही कारण है कि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन कभी भी नहीं लग सकता है। अब सवाल यहाँ पे आएगा कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इसका मतलब क्या है? देखिए यार, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि जो यूनियन एंड स्टेट्स हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में रहेगी वो रहेगी जितना उनकी वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो एक तरह से यूनियन और स्टेट, यूनियन आपकी पार्लियामेंट के थ्रू और स्टेट्स आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू, उनको जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और शायद आप लोगों को यहाँ पे आइडिया भी होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। जब फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारे यहाँ पे जो है वो लोकसभा और राज्यसभा को अगर मैं मिला लूँगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि 700-750 के आसपास जो वो टोटल आपके MPs बन जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी डिफरेंट होती है। यहाँ पे जब एक MP वोट डालेगा तो उसका वोट की वैल्यू जो है वो एक नहीं होगी, जो कि नॉर्मली हम लोगों की होती है। उसकी जो वोट वैल्यू होगी वो किसी एक कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होगी, और वो कंडीशन होगी हर एक MLA की वोट वैल्यू। अब यहाँ याद रखना, ये MLA और MP की वोट वैल्यू का मतलब क्या रहता है। देखिए, अगर मान लो मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और अगर मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मान लो अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि MLA और MP दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हर एक MLA जो है उसकी अपनी वोट वैल्यू रहेगी। अब MLA की वोट वैल्यू डिपेंड करेगी उस राज्य की पॉपुलेशन के ऊपर। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपका है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य की पॉपुलेशन कितनी है, और साथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड MLAs कितने हैं, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1000 से। तो इससे क्या होता है, आपकी एक MLA की वोट वैल्यू आ जाती है। जैसे मान लेते हैं कि मान लो कोई एक आपकी स्टेट है, स्टेट का नाम है ए, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन आपकी है 1,00,000, 1,00,000 वहाँ के टोटल पॉपुलेशन है, टोटल इलेक्टेड MLA जो है वहाँ पे मान लेते हैं 10 हैं। तो अब देखो यहाँ पे हर एक MLA की वोट वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे हर एक MLA की वोट वैल्यू इस स्टेट से जिसका नाम ए है वहाँ पे हर एक की वोट वैल्यू आ जाएगी 10। इसका मतलब है कि जब ये जो 10 लोग हैं, 10 कंसीडर होगा। उसी तरह से यहां से थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि अगर मान लो कोई ऐसी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे जब एक MLA वोट डालेगा तो उसकी वोट वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी। एक एग्जांपल देता हूं, अभी 2017 में जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, उस पर्टिकुलर टाइम पे जब एक MLA जो उत्तर प्रदेश का MLA था, यूपी का MLA था, जब उसने वोट डाला तो उसके वोट की वैल्यू थी 208, क्योंकि आप सब लोगों को पता है यूपी की पॉपुलेशन जो वो बहुत ज़्यादा है, इवन वहाँ पे MLAs भी ज़्यादा है लेकिन उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इवन उतने बड़े देश नहीं है जितनी ज़्यादा यूपी की पॉपुलेशन है। तो यूपी का जब एक MLA वोट डालेगा तो उसकी वोट वैल्यू कितनी होगी आपकी, 208। ये 2017 के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। सिक्किम का जब एक MLA वोट डालेगा, क्योंकि सिक्किम की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, तब वहाँ पे एक MLA की वोट वैल्यू थी सिर्फ 7। तो तुम यहाँ पे एक चीज़ कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, मतलब जिस राज्य की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जितने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उतना ही ज़्यादा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उसके वोट्स की प्रोपोर्शन उतनी ही ज़्यादा है, क्लियर। और जिस राज्य की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है उसकी जो प्रोपोर्शन है वो उतनी ही कम है। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो रही होगी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है वो उसमें प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल, सीक्रेट बैलेट तो आसान थे तो मैंने डिस्कस कर लिया था, तो किस तरह से यहाँ पे MLA की वोट वैल्यू डिसाइड होती है। तो MLA की वोट वैल्यू सबको पता चल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे MLA के बाद जब MP की वोट वैल्यू की बात आएगी, तो MP की वोट वैल्यू जो है वो कंपेरेटिवली आसान है। MP की वोट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे पूरे जितने MLAs हैं उनकी वोट वैल्यू कितनी है, वोट वैल्यू ऑफ ऑल दी MLAs। तो पूरे देश के जितने भी MLA हैं उनकी वोट वैल्यू मान लो कितनी है, मान लो 1,00,000, 10,00,000 कितनी भी है, और उसको हम लोग जो है वो डिवाइड कर देंगे
टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जितने एमपीज आपके पार्लियामेंट के अंदर हैं, और ध्यान रखना कौन से एमपीज हैं, वो आपके सिर्फ इलेक्टेड एमपीज हैं, उनके साथ जब उसको डिवाइड कर देंगे और वहां से हम लोगों के पास जो है वो एमपीज की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भी वोट वैल्यू आ जाती है। तो 2017 का एग्जाम्पल दे रहा हूं, वहां पे हर एक जो आपका एमपी था उसकी वोट वैल्यू थी 703। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब 2017 में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा या राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स ने वोट डाला, वो एक नहीं था, उसकी वैल्यू कितनी थी आपकी 703। क्लियर। और तीसरा आपका ये जो आई थिंक आपको प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ आ रहा है, एमएलए की वोट वैल्यू और एमपी की वोट वैल्यू जो है वो उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी डिसाइड की जाती है। दूसरा आपका है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक्चुअली सिंपल सी स्टोरी यहाँ पे ये है कि जब भी आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब वहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मोर देन 50% वोट जो है वो आपके राष्ट्रपति को मिलने चाहिए। अगर मान लो दो कैंडिडेट्स खड़े हैं तो ऑब्वियसली बात है एक को 50% से ज़्यादा मिलेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब दो तीन चार कैंडिडेट खड़े होते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो वाला कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। अब देखो यार, इसको एग्जाम में तो कभी पूछा नहीं जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है क्या, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। फिर भी देखिए, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आपका रहेगा, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में कहानी क्या रहती है कि जैसे फॉर एग्जांपल तीन कैंडिडेट हैं ए बी और सी, मान लो टोटल जो आपकी वोट्स हैं वो है 100, तो अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है उसको मोर देन 50% दैट इज 51 50 से ज़्यादा जो है वो वोट चाहिए, मतलब 51 वोट चाहिए। मान लो इलेक्शन हुआ, अब देखिए जब आप लोग वोट डालने जाओगे तो वो ट्रांसफरेबल वोट कैसे बनेगा। मान लो मैं वोट डालने गया, इन 100 में से एक बंदा वोट डालने गया, अब उसके पास ऑप्शन थे कि वो ए को डाले, बी को डाले या सी को डाले। मान ले उसने बोला, अब ये देखो प्रेफरेंस सेट करेगा, वो बोलेगा कि मेरी पहली प्रेफरेंस है कि मैं चाहता हूँ ए जीते, अगर ए नहीं जीतता तो मेरी प्रेफरेंस है बी जीते, अगर ये भी नहीं जीतता तो मेरी तीसरी प्रेफरेंस है बी जीते। वैसे ऑप्शन होता है, आप प्रेफरेंस सेट भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है इस तरह से काम करता है। तो प्रेफरेंस में क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि हर एक जब भी मैंने वोट डाला तो हर एक वोट में एक प्रेफरेंस सेट थी, पहली दूसरी और तीसरी। उसी तरह से जब कोई दूसरा इंसान गया, उसने भी तीन अपना वोट डालने के लिए इसको बी को पहली प्रेफरेंस दे दी, ए को दूसरी दे दी और सी को दे दी तीसरी प्रेफरेंस। अब कहानी क्या होगी कि जब सबसे पहले वोट्स की काउंटिंग होगी उस पर्टिकुलर टाइम पर देखा जाएगा कि जो ए है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी मिली है। मान लो ए को मिल गई 40, बी को फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी मिली है, मान लो जो बी है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई आपकी बी को मिल गई 35, सी को फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी मिली है, सी को मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई 25। अब देखो, अब किसी के पास भी 50% से ज़्यादा वोट्स नहीं है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जिसके पास लोएस्ट वोट्स होंगे, तो लोएस्ट वोट्स किसके पास है तुम्हारे, सी के पास, इसको गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इसके वोट खुलेंगे और इसके वोट में तो पहली प्रेफरेंस सी को थी, अब इसमें देखा जाएगा कि इनके इसके वोट में जो सेकंड प्रेफरेंस है वो किसको दी गई है। अब ऐसा हो सकता है कि 25 में से 15 लोगों ने जो है वो ए को फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस दी हो और जो आपके 10 लोग हैं उन्होंने बी को दी हो। तो अब देखो, जो आपका ए है उसको 55 वोट्स पड़ गए, तो 50% का रेशियो उसने क्रॉस किया, तो इस तरह से ए जो है वो आपका राष्ट्रपति बन जाएगा। अगेन देखिए, एक बार ध्यान रखना, ये इस तरह का सवाल मैंने पर्सनली कभी नहीं देखा है, लेकिन कहानी सिंपल सी ये है कि जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में हम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैंने ये वाला कंसेप्ट जो है वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया। ये MLA की वोट वैल्यू क्या है, MP की वोट वैल्यू क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपके काफ़ी बार पूछे गए हैं। क्लियर। तो आई थिंक आपको जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उसकी जो प्रोसीजर है उसमें जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब देखिए, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज योर वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए यार, वैसे तो नॉर्मली जो टेन्योर होता है आपके प्रेसिडेंट का वो 5 years का होता है, 5 साल का टेन्योर होता है, चीज ध्यान रखना 5 साल का टेन्योर है। और वैसे वैकेंसी तब भी आ सकती है अगर प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दे या उसको इम्पीच कर दिया जाए, निकाल दिया जाए या उसकी डेथ हो जाए। पर एक चीज़ ध्यान रखो, राष्ट्रपति तब तक अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेगा जब तक जो है वो नया राष्ट्रपति इलेक्ट होके नहीं आता है। मतलब अगर मान लो मेरे को किसी को जो है वो 2015 में राष्ट्रपति बनाया गया जनवरी में, उसके 5 साल जो है वो जनवरी 2020 में मान लेते हैं कि ख़त्म हो जाएंगे, तो अगर मान लो
जनवरी 2020 तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आता है तो इसकी जो टर्म है वो थोड़ा सा कंटिन्यू करेगी तब तक जब तक नया राष्ट्रपति जो है वो आपका इलेक्ट होके नहीं आएगा, चूज होके नहीं आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लिए जाएंगे। नो डाउट वैकेंसी के केस में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी राष्ट्रपति का काम करता है, उसके पास भी राष्ट्रपति की अथॉरिटी आ जाती है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में कभी भी वैकेंसी आती है तो उसको 6 महीने के अंदर जो है वो हमें भरना पड़ेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। क्लियर? और जब भी कोई राष्ट्रपति बनेगा वो अपने उसका पूरा टेन्योर कितने साल का रहेगा आपका, 5 ईयर्स का टेन्योर होगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट आ जाएगा, दैट इज ओथ। अब देखो हम लोगों ने जब शेड्यूल देखा था तो हमने देखा था कि जो आपका शेड्यूल है उसमें शेड्यूल्स के अंदर प्रेसिडेंट की ओथ मेंशन नहीं है। इसका सिंपल सा कारण ये है क्योंकि प्रेसिडेंट अपनी ओथ जो है वो आर्टिकल 60 से लेता है। आर्टिकल 60 की जो ओथ है वो आपकी है टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि जो ओथ राष्ट्रपति है वो कहाँ लेता है, आर्टिकल 60 के अंदर ले रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति की ओथ दिलवाता है वो कौन दिलवाता है, वो आपका दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा वो राष्ट्रपति की ओथ दिलवाएगा अंडर आर्टिकल 60। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आर्टिकल और कौन ओथ दिलवाता है राष्ट्रपति को। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आपका पार्ट आ जाएगा दैट इज योर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए यार सिंपल सी बात यह है कि जो राष्ट्रपति है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है दैट इज इम्पीचमेंट। इसके अलावा हम लोग कभी भी इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो यूज नहीं करते हैं। वैसे नो डाउट आजकल काफी लूज लैंग्वेज में इम्पीचमेंट सब वर्ड जो है वो जुडिशियरी के जो जुडिशियल आपके पोजीशंस हैं उनके रिमूवल में भी यूज़ किया जाता है, बट रियलिटी में जो आपका इम्पीचमेंट वर्ड है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल में प्रेसिडेंट को हटाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। सबसे पहले तो आप आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल 61 जो कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के साथ डील करता है। अब सवाल यहाँ पे आएगा कि जो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है उस इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या रहेगा, किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो राष्ट्रपति को इम्पीच किया जाएगा। तो ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, जो ग्राउंड है वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मान लो संविधान की वायलेशन की है राष्ट्रपति ने तो उस ग्राउंड के ऊपर जो है वो राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ आएगी राष्ट्रपति को इम्पीच करने की पावर किसके पास है, ध्यान रखना जो राष्ट्रपति को इम्पीच करने की पावर है वो है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जब तक ये दोनों हाउस मिलके 2/3 मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन नहीं पास करेंगे तब तक प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आती है 2/3 मेजोरिटी का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर किसी हाउस का जो टोटल कैपेसिटी है वो है या टोटल मेंबरशिप जो है मेंबर्स जो हैं वो आपके हैं 300, तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा आपका 200। तो अगर आप प्रेसिडेंट को रिमूव करना चाहोगे तो जो रेजोल्यूशन है वो दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। जितने उन हाउसेस के टोटल मेंबर्स हैं उनकी 2/3 से ज़्यादा मेजोरिटी के लोग जो हैं वो इस फेवर में वोट डालें कि हाँ हम चाहते हैं राष्ट्रपति को रिमूव करना। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो प्रेसिडेंट का रिमूवल है या प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है ये सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस है हमारे संविधान में किसी भी बॉडी को हटाने की। सिर्फ प्रेसिडेंट ही एक ऐसी बॉडी है जहां पे 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, तो 2/3 मेजोरिटी लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये कोई आसान काम नहीं है। यही कारण है कि आज तक हमारा राष्ट्रपति जो है वो कभी भी रिमूव नहीं हुआ है, क्योंकि 545 का अगर 2/3 लोगे तो आपका 360 बनता है। अगेन मैथमेटिकल एरर है, इसको आप लोग देख लेना कितना बनेगा। तो इतने ज़्यादा लोग जो है वो कभी भी आपके फेवरेबल नहीं होते हैं। और दूसरी बात है कि दोनों हाउसेज में 2/3 बहुमत के साथ जो है 2/3 मेजोरिटी के साथ आपको वो प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन जो है वो पास करना होता है। तो कहानी समझ आया, प्रेसिडेंट का रिमूवल किस तरह से होगा, वो दोनों हाउसेज जो है वो उसको रिमूव करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे। अब यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि जो रेजोल्यूशन है फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वो कौन से हाउस में सबसे पहले प्रेजेंट होगा। तो ध्यान रखना वो आपका किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है, वो लोकसभा में भी प्रेजेंट हो सकता है या वो राज्यसभा में भी प्रेजेंट हो सकता है। मान लो अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करने का रेजोल्यूशन लोकसभा में प्रेजेंट होगा तो उसके बाद राज्यसभा को उसको अप्रूवल देना पड़ेगा, मतलब लोकसभा के पास करेगी तो राज्यसभा में जाएगा। और अगर वो राज्यसभा में प्रपोज होगा तो राज्यसभा पास करेगी तो उसके बाद कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा। जिस दिन दोनों हाउसेस चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है वो प्रेसिडेंट के रिमूवल के रेजोल्यूशन को पास कर देंगे उसी दिन
आपका जो राष्ट्रपति है, आपका जो प्रेसिडेंट है, ही स्टैंड्स इम्पीच्ड, वो जो है अपनी पोस्ट से निकाला हुआ माना जाएगा। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखो कि यहां पे इम्पीचमेंट में हुआ क्या। अभी तक जब भी रिमूवल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जजेस का रिमूवल हो रहा है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का रिमूवल हो रहा है, तो वहां पे दोनों हाउसेज रेजोल्यूशन पास करते हैं, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति साइन करता है। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी के रिमूवल में। लेकिन जब इम्पीचमेंट हो रही है, ये कंप्लीटली आपकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। लेजिस्लेटिव का मतलब है कि यहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव नहीं आया, यहाँ पे दोनों हाउसेज ने रेजोल्यूशन पास किया और राष्ट्रपति को उसकी पोजीशन से हटा दिया। क्लियर? तो समझ आया थोड़ा इम्पीचमेंट और रिमूवल में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं लूज लैंग्वेज में, लेकिन अगेन जो टेक्निकल मतलब रियल डिफरेंस है बिटवीन इम्पीचमेंट एंड जो आपका जो इम्पीचमेंट और रिमूवल है उसमें ये है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा तो उसके लिए कंडीशन होती है कि 14 डेज का नोटिस देना आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन आएगा तो पहले तो 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, कि जितने लोकसभा के मेंबर हैं उनका 1/4 उस रेजोल्यूशन के ऊपर साइन करेगा, स्पीकर को देगा, फिर स्पीकर उसको एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद प्रेसिडेंट को 14 दिन का टाइम दिया जाएगा और 14 दिन में प्रेसिडेंट जो है वो अपने आप को डिफेंड करेगा पार्लियामेंट के सामने कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है या नहीं किया है। और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उसकी भी हेल्प ले सकता है अपने आप को डिफेंड करने में। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप लोग जो हैं वो ध्यान रखोगे तो आई थिंक आप लोगों को जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता चल गया होगा। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, वैकेंसी, ओथ, इम्पीचमेंट एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। तो चलिए नेक्स्ट, अगली जो इंपॉर्टेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके बारे में देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अगला आपका आ जाएगा, दैट इज योर वाइस प्रेसिडेंट। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो है वो आर्टिकल 63 के अंदर मेंशन है, तो इस आर्टिकल को आप बाय नंबर याद रखेंगे, दैट इज देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आगे वाले आर्टिकल में मेंशन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, जो भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतेगा वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा। मतलब जैसे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा ऑटोमेटिकली जो है वो राज्यसभा का क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा। डन? अब देखिए अगर प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगेन मोर और लेस सेम है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा 35 ईयर्स से ज़्यादा की उसकी एज होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए, अगेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की वही एक्सेप्शंस है जो हमने प्रेसिडेंट में डिस्कस की। तीसरा है ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कि जो राज्यसभा है वहां पे वो एलिजिबल होना चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए। प्रेसिडेंट कहाँ एलिजिबल होना चाहिए था, लोकसभा में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए, जो आपकी राज्यसभा है उसके लिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, दैट इज इलेक्शन प्रोसेस जो रहेगी आपकी। वैकेंसी के बाद बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। जो इलेक्शन प्रोसेस है वो मोर और लेस सेम है, लेकिन थोड़ा सा जो वो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ कि जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था तब सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन जब प्रेसिडेंट का रिमूवल हो रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे जो जितने भी मेंबर्स तुम्हारे पार्लियामेंट और जो पार्लियामेंट के लोग पार्टिसिपेट करेंगे रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट में, वो इलेक्टेड भी हो सकते हैं और नॉन इलेक्टेड भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कैच है, मतलब जो इलेक्शन में एमएलए पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन रिमूवल में एमएलए पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लेकिन प्रेसिडेंट के रिमूवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वापिस आइए, अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँगा तो वाइस प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन थोड़ा सा आसान है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोसेस वही है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सीक्रेट बैलेट एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
सिंपल सा है, ये आसान है, इसमें सिर्फ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी आपके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, वो सारे के सारे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे वो वोट वैल्यू वाला कंसेप्ट नहीं है कि वोट वैल्यू 2 है 3 है 10 है 50 है, यहाँ पे वोट वैल्यू एक की एक ही रहेगी, मतलब जितने टोटल लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को मिला के जितने वोट्स होंगे उसी हिसाब से जो है वो आपके वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। पर क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लिखा है तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो मोर देन 50% वोट चाहिए वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को जीतने के लिए भी। डन, जैसे क्लियर। अब जैसे अब दूसरी बात है कि जो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वाइस प्रेसिडेंट का, तो उसमें टोटल कितने मेंबर्स आ जाएंगे, तो टोटल आप उन दोनों के मिला लीजिए, वैसे 790 के आसपास बनता है, 790 दोनों को मिला लूँ तो 790 MPs बनते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए वैकेंसी की, तो अगेन मतलब डेथ हो सकता है, रिज़ाइन किया जा सकता है या उसको रिमूव भी किया जा सकता है। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए हम लोग इम्पीचमेंट वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, ये गलत लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे जो है वो आप लोग शब्द यूज़ करोगे दैट इज़ रिमूवल। ओथ जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी ओथ जो है वो मेंशन है, मोर ऑर लेस सेम ओथ है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद अगर मैं इम्पीचमेंट की बात करूँगा, सॉरी पार्डन, अगर मैं रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करूँगा, तो एक चीज़ ध्यान रखना, प्रेसिडेंट का रिमूवल दोनों हाउसेस कर रहे थे, रेजोल्यूशन कहीं भी पास हो सकता था, लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो हमेशा सबसे पहले आएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा जो है वो उस रेजोल्यूशन को पास करेगी कि डिफरेंट तरह की मेजोरिटी से। डिफरेंट तरह की मेजोरिटी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो राज्यसभा के अंदर जो है वो 245 मेंबर्स है, तो 245 मेंबर्स का जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसको हम शब्द यूज करते हैं, एब्सोल्यूट का मतलब क्या रहता है कि अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी, और वो जो रेजोल्यूशन पास होगा वो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होगा। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का मतलब क्या है कि 245 का 50% जो होगा उससे ज्यादा लोग जो है वो इस फेवर में वोट डालेंगे कि हम चाहते हैं कि चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाए, और उसके बाद वो रेजोल्यूशन जाएगा लोकसभा के पास। जैसे ही लोकसभा उसको एक्सेप्ट करेगी, मंजूरी देगी, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पोस्ट से निकाला हुआ माना जाएगा। अब एक चीज थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, देखिए कहानी सिंपल सी क्या है कि जो आपका प्रेसिडेंट है या आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है या जो हमारी मेजोरिटीज की बात करते हैं, एक तो हमने मेजोरिटी देख ली जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में थी कि 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, एक आ जाता है 50 मोर देन या मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब 245 है या 545 उनका 50% से ज्यादा। एक आता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, वो सबसे आसान होती है जिसको हम सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स हैं, एक बिल के ऊपर डिस्कशन हो रही है, उसको पास करने के लिए हमें जो है वो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। वैसे 99% चीजें जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होती है। तो सिंपल मेजोरिटी में क्या होगा, उस दिन मान लो सिर्फ 100 लोग आए, सिर्फ उस दिन मान लेते हैं कि सिर्फ 100 लोग जो थे वो लोकसभा राज्यसभा के अंदर मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, तो मान लो किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही है, अब उसको अप्रूव करना है, तो वहाँ पे जो है वो 100 लोग आए, 100 लोगों ने वोट डाला, तो यहाँ पे इनकी मेजोरिटी देखी जाएगी, मतलब कितनी आ गई इनकी मेजोरिटी, 51 आ गई। जितने जो हो सकता है 200 लोग आए, तो 200 की मेजोरिटी कितनी आ जाएगी, 101 आ जाएगी। मतलब सिंपल मेजोरिटी आसान है, जितने लोग आए, जितने लोगों ने प्रेजेंट एंड वोटिंग और वोट किया, तो जितने लोगों ने वोट किया उनका 50% से ज़्यादा जो वो किसी चीज़ को हाँ या ना करने के लिए आवश्यक होगा या काफ़ी होगा। लेकिन जब राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बात की जाएगी, मतलब राज्यसभा के अंदर चेयरमैन को हटाया जाएगा या वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा, वहां पे जो है वो हमें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि कितने लोग आ रहे हैं, हमें फर्क पड़ेगा टोटल मेंबरशिप कितनी है। तो टोटल मेंबरशिप अगर 245 है तो हमेशा जो इसका 50% से ज्यादा होगा उतने लोग ही या उतने लोगों के लिए आवश्यक है राष्ट्रपति या सॉरी वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में पार्टिसिपेट करना। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट है उसके बीच में क्या डिफरेंस है और किस तरह से जो है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। एक चीज़ ना और ध्यान रख लो यहाँ पे कि अगर बात की जाए आपके प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि अगर मान लो प्रेसिडेंट जो है उसकी वो एबसेंट है या वैकेंट है उसकी पोस्ट, तो वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह काम करता है,
और एक चीज़ ध्यान रख लो, अगर वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा तो अब वो राज्यसभा के सेशन में नहीं बैठेगा, क्योंकि अब वो राष्ट्रपति है। जो उसको तनख्वाह मिलेगी, जो उसको पैसा मिलेगा, जो उसको फैसिलिटीज़ मिलेगी, वो सारे के सारे फैसिलिटीज जब वही होगी जो एक राष्ट्रपति को मिलती है। क्लियर? तो वाइस प्रेसिडेंट जब राष्ट्रपति का काम करता है तो पूरी एमोलमेंट्स हर चीज़ जो है उसको प्रेसिडेंट की तरह ही प्रोवाइड की जाती है, अगर वाइस प्रेसिडेंट जब तक प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो कार्य करेगा या काम करेगा। तो चलिए, आई थिंक यहाँ तक वाइस प्रेसिडेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दैट इज जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब देखिए सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 74, ये अब थोड़ा याद रख लेना, स्पेशली आर्टिकल 74 और 75, ये दो आर्टिकल्स याद रखना, बाकी आर्टिकल्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं आर्टिकल 74 की बात करूंगा तो आर्टिकल 74 ये कहता है कि जो आपका राष्ट्रपति है वो ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेगा। क्लियर? जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 की बात कर रहा हूँ, वो प्रेसिडेंट जो है वो ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेगा। अब सवाल आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो प्राइम मिनिस्टर है ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स है ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम जो है वो पार्ट है, जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये भी हैं, जो डिप्टी मिनिस्टर्स हैं ये भी हैं, जितने भी तुम्हारे यहाँ पे मिनिस्टर्स माने जाते हैं वो सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो आपका हेड होता है वो कौन होता है, आपका प्रधानमंत्री, दैट इज अ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? अब देखो 74 में कुछ थोड़ी सी कहानी आप लोगों को बताने की है। ये अमेंडमेंट दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कहानी सिंपल सी ये थी कि बिफोर, इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। एक्चुअली कहानी क्या है कि एक आप लोगों ने सबने सुना होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में अप्रूव हुई थी, इंप्लीमेंट की गई थी, उससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में निम सिंपल लाइन लिखी थी कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जो है वो आपका काम करेगा ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? अब देखिए जो आपका जब 42nd अमेंडमेंट की गई तो 42nd अमेंडमेंट में एक कंडीशन डाली गई इस आर्टिकल के अंदर 74 के अंदर कि जब भी एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा तो उसको वो एडवाइस पालन करना ही पड़ेगा। मतलब अगर उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर साइन करो तो प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता है, उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हो जाएगी अंडर आर्टिकल 74 उस पर्टिकुलर चीज को अप्रूवल देने की या उस पर्टिकुलर चीज को अप्रूव करने की। समझ आ रही कहानी? लेकिन उसके बाद जब सरकार चेंज हुई और संविधान में एक नई अमेंडमेंट आई, दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, उसमें एक कंडीशन डाली गई कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक बार मना कर सकता है कि भाई मैंने आपका जो एड एंड एडवाइसेस का पालन नहीं करना है, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो दूसरी बार फिर से उसको चाहे सेम ही एड एंड एडवाइस कर देती है तो प्रेसिडेंट को वो चीज़ माननी ही पड़ेगी। तो रियलिटी में कान सीधा पकड़ो उल्टा पकड़ो, तुम लोगों ने प्रेसिडेंट के पास पावर जो है वो नहीं दी, सारी पावर किसके पास है अब हमारी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रियलिटी में पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, जो कि आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का लीडर है। क्लियर? तो ये समझ आया कहानी 74 के साथ। और इसके साथ एक और भी है, दैट इज एक आपका यूएन राव केस है 1971 का। एक्चुअली कहानी क्या है कि अब सवाल यहां पे आता है कि जब प्रेसिडेंट ऑन दी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेगा तो कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी लोकसभा डिजोल्व हो जाती है तो ऑब्वियस बात है उस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारा मिनिस्टर्स भी नहीं रहेगा। तो यूएन राव केस जो है 1971, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जब तक नई गवर्नमेंट चूज होके नहीं आती है, नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो नहीं इलेक्ट होके आते हैं, तब तक जो पुरानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है या जो जो पुरानी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो ही प्रेसिडेंट को जो है वो असिस्ट करती रहेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट बिना एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री काम नहीं कर सकता है। तो क्या समझे, जैसे मान लो अगर जब अगले 2022-23 में जब भी आपके यहाँ पे इलेक्शन होने हैं, वहां पे 5 साल अगर इस सरकार के पूरे हो भी जाएंगे, ये सरकार या प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक इलेक्शन के बाद नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो वो चूज होकर नहीं आ जाएगी। क्योंकि अगर ये भी डिसॉल्व हो जाते हैं, ये भी खत्म हो जाते हैं, तो ऑब्वियस तो प्रेसिडेंट को फिर जो है वो एडवाइस कौन करेगा, और फिर अगर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस नहीं करेगा तो देश चलेगा कैसे। जैसे इवन कि आज भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं, आज भी अगर आपका लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, फिर से कहा जाता है कि इलेक्शन होंगे 2-3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, तो उन महीनों तक जो अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वही काम करेगी प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने का। क्लियर? तो आई थिंक 74 आर्टिकल जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो आपका आर्टिकल 75 है, यहां पे एक सेकंड के लिए थोड़ा सा
क्योंकि लैपटॉप की जो बैटरी है वो कम हो गई है। अच्छा देखिए, अगर मैं 75 आर्टिकल की बात करूं, तो जो आपका 75 आर्टिकल है, 75 आर्टिकल के अंदर जो चीज मेंशन की गई है वो आपकी मेंशन की गई है कि जो आपका राष्ट्रपति है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को किस तरह से अपॉइंट करेगा। तो जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसको अपॉइंट करने का जो पावर है वो किसके पास रहेगा, वो पावर रहेगा आपका राष्ट्रपति के पास, जो आपका एक सेकेंड होल्ड करिए, हाँ वापिस आइए। देखिए अगर मैं आर्टिकल 75 की बात करता हूं, तो जो आपका आर्टिकल 75 है वहां पे लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, क्लियर, और जो बाकी मिनिस्टर्स रहेंगे वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पे जो प्रधानमंत्री है वो सबसे सुप्रीम पावर बन जाती है अंडर आर्टिकल 75। समझ आएगा नहीं? 75 के अनुसार प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा और जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन किसके एडवाइस के ऊपर, जो आपका प्रधानमंत्री है उसकी एडवाइस के ऊपर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसको पूरी को अगर रिमूव करना है तो वो पावर है किसके पास, लोकसभा के पास, क्योंकि कोई भी सरकार तब तक है जब तक उसकी मेजोरिटी है लोकसभा के अंदर। किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने की पावर है राष्ट्रपति के पास, लेकिन प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, जिस तरह से अपॉइंट उसने प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे किया उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर के बोलने पे वो किसी भी मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकता है। समझ आ रही कहानी यहाँ पे? वो किसी भी मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक शब्द यूज करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, और जो आपके इंडिविजुअल मिनिस्टर्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारे राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि उन दोनों को निकालने की जो पावर है वो किसके पास है, तुम्हारी COM को निकालने की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोकसभा के पास, और इंडिविजुअल मिनिस्टर को निकालने की आपकी जो है पावर है वो किसके पास है, आपके राष्ट्रपति के पास है। क्लियर? आई थिंक आपको जो ये चीजें हैं सारे के सारे धीरे धीरे जो है वो क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद जो है वो हम दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की बात, या एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो दो आर्टिकल्स ऐड किए गए। अब इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में, वहां पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज किया गया और उसमें दो आर्टिकल डाले गए। एक आपका आर्टिकल था 75(1)(a) और दूसरा आर्टिकल था 75(1)(b). तो 75(1)(a) है, ये बोलता है कि जो टोटल मिनिस्टर्स होंगे आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा नहीं क्रॉस कर सकते हैं। मतलब अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 545 है तो उसका 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं हमारे देश के अंदर। ये 75(1)(a) आर्टिकल कहता है। और जो 75(1)(b) आर्टिकल है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी मेंबर्स डिसक्वालीफाई हुए होंगे अंडर शेड्यूल 10th, याद है सब लोगों को, जो शेड्यूल 10 था वो किसके साथ डील करता था, आपका एंटी डिफेक्शन के साथ। तो जो लोग डिसक्वालीफाई हुए होंगे अंडर 10th शेड्यूल, वो लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट, या वो लोग जो है वो मिनिस्टर्स नहीं बन सकते हैं जब तक वो फिर से इलेक्शन जो है वो आपके जीत के ना आए। कहानी समझ आई कि नहीं आई, कि जो लोग पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हुए हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर शेड्यूल 10, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू बिकम ए मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, नॉर्मली फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर भी उसके बावजूद भी मेरे को जो है वो मिनिस्टर बनाया जा सकता है। बस कंडीशन क्या है कि विद इन 6 मंथ मेरे को पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे मैं लोकसभा का बनूं चाहे मैं राज्यसभा का बनूं। लेकिन अगर मान लो मैंने इलेक्शन जीता, एंटी डिफेक्शन के थ्रू मेरे को निकाल दिया गया, अब मैं जब तक फिर से इलेक्शन जीत के नहीं जाऊंगा मैं मिनिस्टर नहीं बन सकता हूं। तो वो वाली कंडीशन जो 6 महीने बिना इलेक्शन जीते भी किसी को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, वो सिर्फ उन लोगों के ऊपर है जो एंटी डिफेक्शन के अंदर बाहर नहीं हुए हैं। क्लियर? आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आर्टिकल 75 क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंट है।
उसके बाद जो है वो आर्टिकल 77 आ जाएगा। आर्टिकल 77 बेसिकली डील करता है कि जितने भी जो सरकार के काम होंगे उनके लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे वो कौन बनाएगा, तुम्हारा प्रेसिडेंट बनाएगा, और उसके साथ साथ मिनिस्टर्स में जो पोर्टफोलियोज की एलोकेशन होती है वो भी तुम्हारा कौन करेगा, जो आपका प्रेसिडेंट करेगा। जैसे तुम लोग देखना, जब भी ओथ होती है तो ओथ ऐसा नहीं लेते हैं ये लोग कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर की ओथ ले रहा हूँ या मैं होम मिनिस्टर की ओथ ले रहा हूँ। ये जब ओथ लेते हैं तो वो मिनिस्टर की ओथ लेते हैं कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में ओथ ले रहा हूँ, मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में ओथ ले रहा हूँ। क्लियर? जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल होम किसको देना है, फॉरेन अफेयर्स किसको देना है, ये सारी एलोकेशन जो वो प्रेजेंट करता है। नो डाउट ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो एलोकेशन होती है ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही है, लेकिन आर्टिकल 77 में कहा गया कि पोर्टफोलियो एलोकेशन जो है वो कौन करेगा, तुम्हारा प्रेजिडेंट करेगा। तो कल को अगर सवाल पूछा जाए तो आपको आर्टिकल 77 का ये वाला लाइन जो है वो याद रहना पड़ेगा। ध्यान रखना आर्टिकल 77 और 78 हम लोगों को बाय नंबर याद नहीं रखने हैं, सिर्फ दो आर्टिकल्स याद रखने हैं, दैट इज 74 एंड 75। और जो 78 है, 78 सिंपल सी बात ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राष्ट्रपति को जो सरकार के काम है उनके बारे में कम्युनिकेट करते रहना। तो प्राइम मिनिस्टर भी कम्युनिकेट करता रहेगा या राष्ट्रपति भी प्राइम मिनिस्टर से जो है वो इस संदर्भ में, इस कंटेक्स्ट में पूछ सकता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये थोड़ा थोड़ा जो है वो आइडिया हुआ होगा कि जो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं वो कौन कौन से हैं, क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, आप लोगों को मेमोराइज करने हैं। तो यहाँ पे आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालिए शाबाश। एक बात बताइए मेरे को कि जो आर्टिकल 60 है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, कमेंट में डालिए शाबाश। जो आर्टिकल 60 है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, उसके बाद जो आर्टिकल 61 है वो किसके साथ एसोसिएटेड है वो भी डालिए। क्लियर? उसके बाद आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 के बाद जो है वो नेक्स्ट आप लोग डालो शाबाश। आर्टिकल 52 के बाद अगला डालिए, जो आपका आर्टिकल 74 है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, आर्टिकल 75 किसके साथ एसोसिएटेड है। तो बस ये नॉर्मल सी चीजें जो है वो तुम लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए, इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। क्लियर? तो ये था तुम्हारा थोड़ा सा यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यार, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रिलेवेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बताइए जरा कि जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वो कौन कौन सी है, जो इंपॉर्टेंट पावर्स है प्रेसिडेंट की वो कौन कौन सी हैं। देखिए, जो बाकी कुछ इनडायरेक्टली पावर, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उनको हम थोड़ी देर में और डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो प्रेसिडेंट की आ जाती है वो है, दैट इज इमरजेंसी मेकिंग पावर। दूसरी इंपॉर्टेंट पावर आ जाती है, दैट इज जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 72 के अंदर मेंशन है। तीसरी पावर आ जाती है, दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो कि आर्टिकल 123 के अंदर है। अगली पावर आ जाती है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकता है, वो हर साल प्रेसिडेंट को, हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करता है, या जब भी नया आपका सेशन बैठता है, नया लोकसभा या नया इलेक्शन होने के बाद जो फर्स्ट सेशन बैठता है वहां पे भी राष्ट्रपति जो है वो आपका जो पार्लियामेंट है उसको एड्रेस करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल आ जाएगा कि आर्टिकल 352, 356 और 360 के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या क्या जो आपका राष्ट्रपति है उसकी इमरजेंसी पावर्स है। अब देखिए, अगर मैं प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स की बात करूंगा तो वो इमरजेंसी पावर जो है वो आर्टिकल 352 के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं दैट इज योर नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानी जाती है, 356 के अंदर जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जानते हैं राष्ट्रपति शासन, और 360 जो है वो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से भी जानी जाती है। क्लियर? तो अगर देखिए, अगर मैं 352 आर्टिकल की बात करूंगा जो कि नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानी जाएगी, तो नेशनल इमरजेंसी के लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिन ग्राउंड्स के ऊपर राष्ट्रपति जो है वो आपके देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो क्या वो पूरे देश में होगी या किसी देश के स्पेसिफिक हिस्से में हो सकती है। ध्यान रखिए चीज, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में भी हो सकती है और किसी एक देश की स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। आज तक जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है वो पूरे के पूरे देश में ही हुई है। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी जो हमारे देश में डिक्लेयर हुई थी वो डिक्लेयर हुई थी जब आपका इंडो और पाकिस्तान का जो वॉर था वो शुरू हुआ था, उसके बाद जब चाइना और इंडिया का वॉर हुआ तो वो आगे कंटिन्यू होती रही, उसके बाद सेकंड टाइम पे आपकी नेशनल इमरजेंसी आई जब इंडिया और बांग्लादेश या इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट हुआ था और जहां पे बांग्लादेश नाम का एक देश बना था 1971 में, उसके बाद तीसरी बार जब आपकी नेशनल इमरजेंसी आई वो आई 74-75 के आसपास।
क्लियर। तो नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार जो है वो हमारे देश में डिक्लेयर की जा चुकी है। अब सवाल यहां पे आएगा कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसके ग्राउंड्स क्या रहते हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर जो नेशनल इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर किया जाता है। देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी है उसका ग्राउंड सबसे पहला है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा ग्राउंड है इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन। बता देता हूं, इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन का मतलब होगा कि जब आपने देश के लोग ही देश के खिलाफ हथियार उठा के खड़े हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन। क्लियर। वॉर का मतलब है जब दो देशों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाए। तो जो आपका 64 और जो 71 की जो इमरजेंसी है वो आपकी लगी हुई है वॉर के ऊपर। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब रहेगा कि जब आपको खतरा है, बाहर से कोई आपके ऊपर अटैक करना चाह रहा है, या आपकी जो बाउंड्री है, टेरिटरी है, उसको एक्वायर कर रहा है, या आपको थ्रेटन है, आपको खतरा है। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर आपकी अंडर आर्टिकल 352 जो है वो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है। और नेशनल इमरजेंसी लगाने की जो पावर है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब प्रेसिडेंट जो है वो इस आर्टिकल के अंदर इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेगा, अनाउंस करेगा, तो यहां पे एक स्पेशल शब्द है कि प्रेसिडेंट इस इमरजेंसी को लगाएगा जब कैबिनेट जो है वो लिख के रिटन में जो है वो उसको बोलेगी कि इमरजेंसी लगा दी जाए। कैबिनेट शब्द हमारे देश के संविधान में नहीं मेंशन था। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू जो है वो संविधान में ऐड किया गया। तो ध्यान रखना, कैबिनेट वर्ड हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है 352 आर्टिकल के अंदर ही है, क्योंकि प्रेसिडेंट जब 352 आर्टिकल के अंदर इमरजेंसी लगाएगा तो वो कैबिनेट के रिटर्न अप्रूवल के बाद ही लगाएगा। क्लियर। लेकिन पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। अब ध्यान रखना, जैसे ही प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी तो 1 महीने के अंदर अंदर within 1 month जो आपकी पार्लियामेंट है उसको इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा। और जो इमरजेंसी रहेगी वो आपकी स्पेशल मेजोरिटी से इमरजेंसी अप्रूव होगी। स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे सिंपल सा मतलब रहता है कि स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे 2 ग्राउंड्स की है। पहला आपको जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज योर मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी बाय 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब है कि जितने टोटल मेंबर्स होंगे उस हाउस के, जैसे फॉर एग्जांपल 245 या उस टाइम पे 3 सीटें खाली हैं, 4 सीटें खाली हैं और 240 मेंबर्स हैं राज्यसभा के अंदर, तो उनका 50% से ज्यादा पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन है कि जितने लोग आएंगे और वोट डालेंगे उनका भी 50% से ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी हाउस के अंदर जो है वो 300 मेंबर्स है। क्लियर। अब 300 का 300 का जो मान लो 300 तो टोटल मेंबर्स है और कोई भी वैकेंसी नहीं है, तो इसका जो मेजोरिटी रहेगा वो कितना रहेगा? 151 रहेगा। तो पहली कंडीशन तो आ जाएगी कि अगर आप इमरजेंसी को अप्रूव करना चाहते हो तो 151 लोग जो हैं वो उस इमरजेंसी के फेवर में वोट डालेंगे। दूसरी कंडीशन आ जाती है कि जितने लोग आएंगे वोट डालने उनका 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। तो जैसे मान लो 300 के 300 लोग आ गए तो उसका 2/3 कितना हो जाता है? 200 हो जाता है। तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी कि 200 जो लोग हैं, 200 लोग जो हैं, या 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो उसके फेवर में वोट डालें। आसान भाषा में मान लो 300 लोग वोट डालने आए, 152 लोगों ने कह दिया कि इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया जाए, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब है कि वो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी कि मान लो कि 210 लोगों ने बोला कि हाँ इमरजेंसी जो है उसको अप्रूव कर दिया जाए, तो पहली कंडीशन भी फुलफिल होगी, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी। इस तरह से आपके देश में जो है वो इमरजेंसी लग जाएगी। पहले सिंपल मेजोरिटी के थ्रू होती थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसमें इसको स्पेशल मेजोरिटी जो है वो डाल दिया गया ताकि नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। और आप लोग देखोगे कि इस अमेंडमेंट के बाद हमारे देश में अभी तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लगी है। क्लियर, नेशनल इमरजेंसी क्लियर हो रहा है सबको? अब देखना, एक चीज ध्यान रखना, जो नेशनल इमरजेंसी है तो जब लगेगी तो जितनी भी लॉ मेकिंग पावर होगी वो सारे के सारे पार्लियामेंट के पास चली जाएगी। पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के हर सब्जेक्ट के ऊपर जो वो लॉ बना सकता है जिस टाइम पे या जब तक आपकी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। उसका नेक्स्ट आ जाती है आपकी 356। अब देखिए 356 आर्टिकल जो है ये 2 तरह के ग्राउंड्स के ऊपर लगता है। पहला, अगर जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट जो आपकी सरकार है वो यूनियन गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को मानने से मना कर देती है,
या दूसरा जो है वो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है उसका फेलियर हो चुका है, मतलब सरकार ढंग से काम नहीं कर रही है, लोगों के राइट्स की वायलेशन हो रही है, सरकार के बहुत बुरे हाल हैं, या वहां पे सरकार चलाने योग्य नहीं है, सरकार के पास जो वो प्रॉपर मेजोरिटी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी कारण हो सकता है। तो दो ग्राउंड है, या तो यूनियन के ऑर्डर्स को मानने से मना कर दे, या दूसरा ग्राउंड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाए, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू इम्पोज प्रेसिडेंट रोल इन इंडिया, प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया। एक चीज ध्यान रखना, जब ये आर्टिकल रहा था तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये डेड रबड़ की तरह काम करेगा, काम ये कभी इसको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज हम देखते हैं तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कोई इमरजेंसी लगी है वो लगी है अंडर आर्टिकल 356। आसान है ये, जब आर्टिकल 356 के अंदर जब आपकी इमरजेंसी लगेगी तो अगेन प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम करेगा, यहाँ पे कैबिनेट वगैरह के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी सिंपल मेजोरिटी के साथ। तो सिंपल मेजोरिटी, आई थिंक आपको पता होगा सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, कि जितने लोग आए होंगे उनका 50% से ज्यादा हाँ करेगा तो वो मेजोरिटी या जो इमरजेंसी है वो आपकी कैरी फॉरवर्ड करेगी। यहाँ पे भी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो किसके पास चली जाती हैं, आपकी पार्लियामेंट के पास चली जाती हैं। इसके बाद जो तीसरी इमरजेंसी आ जाएगी दैट इज 360, अंडर आर्टिकल 360, तो 360 के अंदर जो इमरजेंसी लगेगी इसको हम कहते हैं दैट इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने के थ्रू प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है कि वो जितने भी ग्रांट्स हैं, जितने भी मनी बिल्स हैं, ये सब सारे का सारा अप्रूवल जो है वो प्रेसिडेंट के पास आ जाता है। मतलब जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स हैं वो बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के जो है वो पास नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट जो है वो सबकी सैलरी जो है वो हाफ कर सकता है, कम कर सकता है, अपनी भी और जो आपके जजेस वगैरह हैं उनकी भी। वैसे नॉर्मल सिचुएशंस में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सैलरीज के संदर्भ में, सैलरीज के कंटेक्स्ट में। आज तक हमारे देश में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है कभी भी, ठीक है, आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। बस इतना से याद रखिए, हमारे लिए एग्जाम देखिए, वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में इनके ऊपर बहुत इंटरप्रिटेशन है, बहुत अमेंडमेंट्स है, लेकिन हमारे लिए इतना ही रिलेवेंट है। पहला 352, 356 और 360, ये तीनों आर्टिकल्स किन किन इमरजेंसीज के साथ जो है वो आपके डील करते हैं। अगला आ जाएगा जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 72 के साथ या 72 में मेंशनड है। तो देखिए यार, सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है कि अगर मैं जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करूंगा तो जो जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट हैं, ये आपने अभी देखा होगा जो अभी निर्भया चल रहा था, तो वहां पे यही आर्टिकल आपका एक्टिवेट था। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी को भी पार्डन कर सकता है, पार्डन का मतलब है कि उसको छोड़ सकता है कि जाओ अपने घर। दूसरा, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी के भी सेंटेंस को रिप्राइव कर सकता है। रिप्राइव का मतलब होता है कि टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, आज किसी को फांसी होनी है तो उसको वो 10 दिन के लिए रिप्राइव कर देगा, 10 दिन के लिए सस्पेंड कर देगा। तीसरा आ जाएगा रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब होता है कि कुछ स्पेशल ग्राउंड्स के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बूढ़ा हो गया है, ओल्ड एज है, कोई मेटर्निटी रीजन है, ठीक है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी जो सेंटेंस है उसको कम कर सकता है, लेकिन जो रिस्पाइट दी जाएगी या कम किया जाएगा वो स्पेशल ग्राउंड्स के ऊपर किया जाएगा। अगला आ जाएगा रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या होता है, जहां पे बिना किसी ग्राउंड के जो सेंटेंस उसका अमाउंट रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल की सजा है उसको 2 साल का कर दिया, 10 साल की सजा उसको 6 साल का कर दिया। और तीसरी पावर आ जाती है दैट इज कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन का मतलब होता है जहां पे करेक्टर जो है वो पनिशमेंट का चेंज कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को मान लो कैपिटल पनिशमेंट हुई है, फांसी की सजा हुई है, तो प्रेसिडेंट जो है उसको कॉम्यूट कर सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट में, मतलब जो करेक्टर था आपकी सजा का वो कंप्लीटली चेंज हो गया। फिर से रिपीट करता हूं, प्रेसिडेंट के पास जुडिशियल पावर्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो माफ कर सकता है, प्रेसिडेंट जो है जिसको हम पार्डन कहते हैं, प्रेसिडेंट रिप्राइव का मतलब होता है जहां पे टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस होता है, रिस्पाइट का मतलब होता है जहां पे कम सेंटेंस दी जाती है, कम सजा दी जाती है ऑन स्पेशल ग्राउंड, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो मेटर्निटी रीजंस है। रिमिशन का मतलब है जब अमाउंट ऑफ सेंटेंस जो वो रिड्यूस किया जाता है। कॉम्यूटेशन का मतलब है जब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंस जो उसको परिवर्तित किया जाता है, क्लियर, चेंज कर दिया जाता है। तो ये आपका आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट की पावर है। रियलिटी में अगेन प्रेसिडेंट खुद नहीं करता है, ये भी होम मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन पे होता है, पर लिखा है तो हमें याद रखना है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपका आ जाएगा दैट इज योर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब देखिए यार, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का सिंपल सा मतलब ये है कि मान लो आपका जो पार्लियामेंट है वो सेशन के अंदर नहीं है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका प्रेसिडेंट है उसके पास पावर आ जाती है टू लेजिस्लेट ऑन सर्टेन मैटर्स। प्रेसिडेंट जो है वो उन हर एक कानून के ऊपर जो है वो लेजिस्लेट कर सकता है जिसके ऊपर लॉ पास करने की पावर जो है वो है आपकी पार्लियामेंट की। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दी,
ऑर्डिनेंस पास कर दी, ऑर्डिनेंस कब पास हुई थी, जब आपका जो सेशन था वो रिसेस में था, मतलब रिसेस या उस टाइम पे आपका सेशन जो था वो नहीं चल रहा था। अब जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन बैठेगा तो पार्लियामेंट का सेशन बैठते ही विद इन 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर अंदर पार्लियामेंट को उसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट या तो उसको हाँ कर देगी उस ऑर्डिनेंस को, या तो मना कर देगी, इस तरह से जो वो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस काम करती है। पर एक चीज ध्यान रखो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल जनवरी में जो है वो आपकी प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास कर दी, मान लो पार्लियामेंट का सेशन मार्च में बैठा, तो जनवरी से लेके मार्च तक ऑर्डिनेंस का इंपैक्ट वही होगा, उसको उसी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा जिस तरह से नॉर्मल कानून जो है वो आपका इंप्लीमेंट होता है। क्लियर? तो ये आपका जो है, ये था आपका सारे का सारा प्रेसिडेंट की पावर्स के साथ रिलेटेड, जो आपका प्रेसिडेंट है, इसके ऊपर काफी सवाल पूछे जाते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है। तो आप लोग बेसिकली सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आर्टिकल्स को याद रख लेना कि कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो आएगा, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके अंदर आएगी, इमरजेंसी 352 क्या है, 356 क्या है, और 360 जो है वो आपकी क्या है। क्लियर? इसके अलावा भी प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स हैं, जैसे लेजिस्लेटिव पावर है जिसमें वो आपका जो लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है, राज्यसभा के लिए 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, उसके साथ साथ जो वो प्रेसिडेंट आपका हर जनरल इलेक्शन के बाद पहले सेशन को जो है वो एड्रेस करता है, हर साल का जो पहला सेशन है उसको भी प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। तो यहाँ पे इस तरह की जो है वो कुछ आपको प्रेसिडेंट के स्पेशल पावर्स जो हैं वो देखने को मिलती है। क्लियर? तो वैसे मैंने प्लान तो किया था कि और लेजिस्लेचर भी करेंगे आज हम डिस्कस, पर यूनियन लेजिस्लेचर को हम लोग कल डिस्कस करते हैं, नहीं तो लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अभी तक आप लोग जो है वो सिर्फ यूनियन जो आपका एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इनकी जो पावर्स हैं इनके बारे में देखिए। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आपकी पॉलिटी की आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहां से उसको डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे फिर से। थैंक यू, धन्यवाद।